झारखंड को वैसे तो एक छोटी जगह के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में कितना प्यार है अपने चाहने वालों के बीच अपने अभिनेता के लिए, ये तो हाल ही में YouTube पर देखने को मिला, जब 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने निरहुआ भोजपुरी सिने इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी को दिया प्यार। जी हाँ, ये फिल्म YouTube पर 15 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है और इसे लेकर निरहुआ भी इतने भावुक हुए कि उन्होंने लिख दी एक संदेश शुक्रिया अदा करते हुए लोगों का प्यार पाने पर। निरहुआ ने इंस्टाग्राम पर अपने उस पोस्टर के साथ, फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के पोस्टर के साथ लिखा, पहला भोजपुरी फिल्म जमना के 15 करोड़ से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखल गई बा, जय भारत जय भोजपुरिया जहां। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म के रिकॉर्ड है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बड़ा रिकॉर्ड तय कर लिया है। गौर हो कि इसी साल 17वें लोकसभा चुनाव में पहली बार अपनी राजनीतिक पारी खेलने के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर सांसद बनने के लिए। लेकिन अफसोस, आजमगढ़ की जनता में 3,31,000 जनता ने उनका सपोर्ट किया, बाकी के बाकी सारे वोट गठबंधन के आगे इस तरह से चुके कि गठबंधन का भार निरहुआ की जीत के सपनों को तोड़ गया। आजमगढ़ में मिली उन्हें करारी हार, वोटों की मिली मात यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने, लेकिन निरहुआ ने अपने नाच गाने से कैसे धमाल किया, कॉमेडी रोमांस और इमोशन से कैसे धमाल किया है, इसका उदाहरण निरहुआ ने पेश किया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जहां हम करते हैं बात भोजपुरी टाउन की, भोजपुरी सितारों की। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने फिल्मी शूटिंग के बीच इन दिनों काफी व्यस्त नजर आए हैं, नाचते गाते मुस्कुराते नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी को मिलने वाले इतने प्यार को लेकर शुक्रिया अदा किया, जो काफी खुश है। आपको बता दिए, वो फिल्म है जिसमें आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी को खूब प्यार मिला है। इन दोनों को साथ देकर हर किसी के जहन में एक ही बात है, काश ये जोड़ी असल जिंदगी में एक दूजे के साथ होती। खैर, यूट्यूब पर जिस फिल्म को खूब प्यार मिला, जिनके निर्माता राहुल खान है, जिनके निर्देशक मंजुल ठाकुर है, अगर उसकी बात की जाए तो निरहुआ यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं। वो जल्दी आपके बीच फिल्म गबरू में नजर आएंगी। गबरू एक ऐसी फिल्म होगी जिसमें जानवरों, इंसानों और जानवरों के बीच के लकीर को खींचते नजर आएंगे गबरू के किरदार में निरहुआ, जो कि इंसानों और जानवरों के बीच मिटती हुई वो जो लकीर है उसको फिर खींचते नजर आएंगे, वो लकीर जिसके मिटने पर जानवरों को तकलीफ हुई, उनके घर बार को हटाया गया, पेड़ पौधों को हटाया गया और इसकी सोशल मैसेज के साथ फिल्म को लाकर निरहुआ सामाजिक सेवक के तौर पर फिल्म की कहानी के साथ आपके बीच नजर आएंगे। तो थी ना भाई ये बड़ी खुशखबरी फैंस के लिए, जनता के लिए, साथ साथ में भोजपुरी टाउन के लिए। देखना होगा निरहुआ किस रिकॉर्ड को कभी खेसारी लाल यादव तोड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त तो निरहुआ का ये रिकॉर्ड हर किसी के जहन में है कि 15 करोड़ से भी ज्यादा इस फिल्म को देखा गया है और ये एक फिल्म है जो कोई छोटी मोटी बात नहीं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द भोजपुरी टाउन से जुड़ी नई खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।